आवश्यकताओं की आपूर्ति स्वयं के माध्यम से स्वयं के द्वारा कर ले। मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं जाकर खरीद करके ले आए, कपड़े चाहिए, अन्य अन्य घर में कोई तीज त्यौहार होता है, कोई कारण होता है, कोई शादी होती है, कोई विवाह होता है, कुछ भी हो उसके जीवन में, चाहे वो हवाई जहाज चलाने वाला होगा या हाथ ठेला चलाने वाला होगा, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता होगी, दोनों के अपने अपने प्रकार होंगे, लेकिन वो अपने साधन संसाधन से अपने बलबूते पर अपने आवश्यकताओं की आपूर्ति कर ले। ये महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी। और जब अपने जिले के बारे में बात आती है तो राजगढ़ है, राजगढ़ के नाम ले जा रहे तो भोजन मिलेगा ही नहीं है शाम तक। पिछड़े जिले में, बाकी जगह बाहर अपन देखते हैं राजगढ़ है पिछड़ा। और जब मैं बाहर से आया, मुझे 12-14 साल जिले से बाहर रहने का अवसर मिला, वहां आया, वहां से सामाजिक संगठन में जुड़ा हुआ था, यहाँ गाँव में जहाँ देखते हैं आधा जिला अपना ऐसा कि जो केवल चार महीने जिसको अपना घर कहते हैं उसमें रहते हैं, बाकी समय वो घर से बाहर ही रहते हैं। और घर से बाहर भी रहते हैं तो ऐसा नहीं कि वो दरवाजा लगा करके जाते हैं, बगैर दरवाजे लगा चले जाते हैं, तो लोग आश्चर्य होते हैं कैसा भी होता है। मैंने कहा भैया उनके घर में दरवाजे ही नहीं है, दरवाजे ही नहीं है, वो जंतर की ठोकरे खाते फिरते हैं बस। पलायन पूरा तोड़ मार जैसे मन में इतनी पीड़ा थी कैसे हो गया, लेकिन वो जो भाव मन की जो पीड़ा थी, परमात्मा ने ऐसा योग लगाया कुछ करने के लायक अपन बन गए, बना दिए उसने। सबसे पहले हम लोगों ने वही टीम बना करके, जैसी अपनी ये टीम है, जैसी हमने भी अपनी टीम बना करके, और इस दंश से कैसे, इस दंश को कैसे खत्म करें, पिछड़ापन, हम पिछड़े और वो लोग, उनकी क्या स्थितियां परिस्थितियां, तो फिर उनकी जो आवश्यकताओं की आपूर्ति थी, जमीन पर्याप्त पानी, वो वहां जाके बात कर लेना, वो काम करता है। पानी की स्थिति इतनी हालत खराब अपने पानी के मामले में, और इतना अथाह पानी अपने यहां, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई विजनरी लोग भी अपने यहां आए कि नहीं आए, जिनका सोच और जिनकी दिशा हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी, चाहे कुछ लोग चाहते ही नहीं होंगे, किसी को समझ में नहीं आया होगा, जो भी है, अपन ने उस टीम के साथ मिलकर के ये प्रयास किया भगवान की दया से। अगर थोड़ा अंतराल नहीं होता ये 1-1.5 साल का, तो हर खेत को पानी पहुंच गया होता, और आने वाले समय में एक भी खेत इस जिले का, एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं बचेगी जिसमें पानी नहीं जाएगा। तो ये अब उनकी उससे जो